क्या तैयारियां चल रही हैं ये हम आपको वीडियो में बजट का पूरा डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ एमएसपी को लेकर क्या अपडेट चल रही है उसके बारे में भी बताएंगे। पेंशन धारकों से संबंधित जो अपडेट निकल कर आई है विस्तार से हम जानेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ORP 2 में कितनी सारी कमियां हैं, उसके बावजूद उसे लागू करने में भी बहुत ज़्यादा समय जो है खराब किया गया था। इसी को लेकर ORP 3 अलर्ट जारी हो गया है। पेंशन धारक जल्दी से जल्दी यानी कि समय पर ORP 3 रिवीजन चाहते हैं। इसको लेकर आप जो बजट संबंधित अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट में। सबसे पहले हम ORP 1 और ORP 2 की अगर बात करें तो ORP 1 का बजट 1000 करोड़ बताया गया, लेकिन पेंशनर्स को क्या पूरा 1000 करोड़ मिल पाया ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि हर जो बजट तय किया गया था उस बजट के हिसाब से पूरा पैसा कहीं पर भी किसी रिवीजन में नहीं मिला, वो ORP 1 हो, ORP 2 हो या ORP 3 आने वाला हो, यही हाल हो सकता है इसमें भी। इसीलिए हम आपको थोड़ा बैक से यानी ORP 1 से ही बजट डिटेल दिखा रहे हैं कि ORP 2 के बजट की अगर हम बात करें तो 23000 करोड़ का बजट था जिसमें से पूरा 23000 करोड़ नहीं मिला यानी कि इससे कम मिला, और ORP 3 का भी यही हाल हो सकता है। और इसी के साथ जो देरी ORP 2 के रिवीजन में की गई वो ORP 3 के रिवीजन में ना हो, इसके लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं ये भी हम जानेंगे। बजट में जो दिखाया गया है वो ज़्यादा है जबकि एरियर मिलने के बाद और बढ़ा गया, लेकिन पेंशनर्स को इससे कुछ कम ही मिला है यानी जो भी बजट रहा है हर रिवीजन में उससे पेंशन धारकों को कुछ कम ही मिला है। और अब ORP 3 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा, उम्मीद यही है कि इस बार समय से हो ताकि हमारे पेंशन धारकों को इसका नुकसान ना हो और एरियर का भी जो पैच फंसा था पिछली बार वो अब ना हो, शांतिपूर्वक समय से और सही तरीके से त्रुटियों रहित ORP 3 रिवीजन हो। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलें तो इस बार अप्रैल में 2 पेंशन मिलेगी यानी एक आपकी जो मार्च कंप्लीट हुआ है उस मंथ की हो गई, और जो नेक्स्ट क्योंकि यहां पर सीधा आप देखिए जो DR यानी DNS रिलीफ है इसको लेकर जो है अब 46% से 50% के साथ आपको मिलेगी यानी 4% की जो बढ़ोतरी रहेगी वो आपकी अप्रैल की पेंशन में रहेगी। उसके बाद दोस्तों एक अपडेट MSP को लेकर अगर हम बात करें, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर हमने पहले भी आपको अपडेट दे दी थी कि 2 मई को जो है इसको लेकर आगे अब सुनवाई रहेगी और इसमें 2 नए जज भी जो है ऐड हुए हैं, उसके बारे में भी हमने आपको डिटेल अपडेट तो बता ही दी थी। और दोस्तों फिर से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि 2 मई को 3:30 बजे इसकी हियरिंग होगी और फैसला आप देखते हैं क्योंकि पूरा जो इसमें मामला है उसकी सुनवाई हो चुकी है, वो अब सिर्फ फैसला देना बाकी है और इसी बीच तारीखें कई मिल चुकी हैं, तो उम्मीद है कि 2 मई को जो है पर ऐतिहासिक फैसला हो जो हमारे JCOs ORs के हक में हो। उसके बाद दोस्तों ORP 3 जो रिवीजन है 1 जुलाई 2024 को उम्मीद ये है कि सरकार टाइम पर दे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि समय से रिवीजन हो, क्योंकि जो पिछली बार का रिवीजन था यानी ORP 2 रिवीजन था उसमें जो है काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई, उसके बाद एरियर को लेकर काफ़ी सारा इंस्टॉलमेंट्स का मामला बहुत बड़ा बढ़ गया था, तो अब ये उम्मीद है कि समय से हो। तो ORP 3 रिवीजन के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और आगे पेंशन धारकों से जुड़ी हर अपडेट जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन पर ही प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।